हेलो एवरीवन कैसे हो तुम लोग आ जाओ आज हम स्पोकन का नया बैच शुरू कर रहे हैं बेटा मुझे लगता है अराउंड वन ईयर के बाद मैं लाइव बैच शुरू कर रही हूं क्योंकि इसके पहले जो बैच चला था ट्वेंटी वन स्पोकन ट्वेंटी वन था आज जो मैं शुरू कर रही हूं स्पोकन ट्वेंटी टू शुरू कर रही हूं और मैं किसी भी बैच को शुरू करने से पहले अच्छी तरह से समझा दूं कि इस बैच में हम आपको क्या क्या देंगे सिर्फ दो मिनट टाइम लगेगा मेरा ये स्पोकन का जो बैच, है, बैच है इस लाइव बैच में हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे लेकिन आपको बहुत सारे यूसेज जो डेली यूज के वो क्या होते हैं डेली यूज के सेंटेंसेस होते हैं वो प्रैक्टिस कराएंगे इंटरमीडिएट में चलेंगे फिर हम एडवांस में चलेंगे और ये आज शुरू हो रहा है इसका टाइम है साढ़े आठ से साढ़े नौ और ये ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चलेगा राइट ये लाइव बैच है बेटा इसकी फी जो होगी ये इलेवन नाइनटी नाइन इसकी फी है लेकिन इसके साथ जो हम देंगे आपको वो देख लो ये क्या है ये है आपका लाइव प्लस वीओडी बैच जो हमारा लाइव प्लस वीओडी बैच है अगर आप वो लोगे तो उसका फी पड़ेगा फोर्टीन नाइनटी नाइन इसमें मैं जो लाइव पढ़ाऊंगी आपको वो तो लाइव पढ़ाऊंगी उसके साथ जो वीओडी है ये पूरा वीडियो कोर्स है जो ये पूरी किताब मैंने एक दो स्टोरीज बड़ी वाली स्टोरी से उनको छोड़ दिया जाए तो पूरी किताब जो है वो आपको पढ़ाऊंगी मैं और ये पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा इस पूरी किताब का मैं आपको दिखा दूंगी कि ये किताब कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसका वीडियो क्यों मैं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है और आप देख लो 1200 और 1500 के बीच में सिर्फ 300 का डिफरेंस है इसीलिए अगर आप लाइव प्लस वीओडी लोगे तो आपको दोनों मिल जाएगा और इसमें आपको मैं याद रखिएगा मेरा ध्यान जो होता है पढ़ाने में बेटा एक्सेंट इम्प्रूवमेंट में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आपका जो वो टोन होता है ना जो बिल्कुल एकदम गांव का आपके अम, स्टेट का आपके जो रीजन है उसका टोन उसमें इंग्लिश बोलते हो बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आपको पूरा कंप्लीट इंटरव्यू का प्रिपरेशन कराएंगे सिचुएशनल कन्वर्स जितने कन्वर्सेशन रिलेटेड टू सिचुएशन है जैसे कि आप किसी पार्टी में जाते हो या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो किसी थिएटर में जाते हो अपने बच्चे या भाई के स्कूल में जब जाते हो तो कैसे बात करोगे वो पूरा जितने भी डेली यूज के वो हैं वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी ट्रांसलेशन के थ्रू होगा बहुत आसान सेंटेंसेस से हम शुरू करेंगे और कंप्लीट स्पोकन का जितना ग्रामर है ये पूरा कंप्लीट कराएं, कराएंगे आपको सारे चैप्टर्स के कलर्ड पीडीएफ मिलेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलेंगे आपको और ये बॉडी लैंग्वेज यानी स्मार्टनेस आई कांटेक्ट कैसे बात करना है आपके टोन कैसे होने चाहिए वो सब कुछ कराएंगे आपको तो चलिए आज शुरू करते हैं सबसे पहले इंग्लिश बेटा इंग्लिश बोला मैंने इंग्लिश नहीं बोला प्रोनासिएशन और एक्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप मेरी नकल करोगे जैसे मैं बोलूंगी वैसे नकल करोगे इंग्लिश जो यहां पढ़ने आए हो स्कूल <coughs> स्टूडेंट्स बहुत जल्दी सीखोगे हाउस वाइफ्स बेटा क्लास करने के बाद प्लीज आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप दिन में एक घंटा टाइम जरूर देना जितने भी आप बिजनेसमैन यहां पर है आप सुबह सुबह जैसे एक्सरसाइज के लिए जिम के लिए अगर टाइम निकालते हो तो इसके लिए भी आधा घंटा एक घंटा टाइम निकाल लो रिमेंबर सिर्फ रेगुलरिटी मेंटेन करिएगा मैं आपको रिजल्ट दूंगी जितने भी यहां पे बाहर एब्रॉड से देख रहे हो कुछ कंट्रीज में हम अपने ऐप को अलाउ करते हैं कुछ कंट्रीज होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा हैकर्स बैठे होते हैं तो वहां पे अपने ऐप को अलाउ ही नहीं करते इसीलिए प्लीज आप देख लेना प्ले स्टोर में जाके केरी लाइव ऐप को डाउनलोड करना वहां पे जो सर्च है वहां सर्च में जाके आप सीधा स्पोकन डालोगे तो ये बैच आ जाएगा आईलेट्स जो होते हैं फैक्ट एपेक्स बेटा आपको जो कोई कंपनी के थ्रू आप अप्लाई वगैरह करते हो ना वो आपको बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो आपको इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं सिखाएंगे वहां पे इंग्लिश स्पोकन वगैरह की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती आप उनको आप सिर्फ उनको आपको बताया जाता है कि राइटिंग होता है लिसनिंग होता है स्पीकिंग होता है तो ये सारा आपको बता देते हैं वो बाकी इंग्लिश लिखना कैसे बोलना कैसे वो नहीं सिखाएंगे वो आपको हम सिखाएंगे अब सुनिए ध्यान से इंग्लिश में लेटर्स जितने होते हैं ना वो हिंदी लेटर्स के सीधा आधा होते हैं हिंदी में 52 लेटर्स लेटर्स हिंदी अल्फाबेट में 52 लेटर्स बेटा एप्लीकेशन में आपको जो फीस दिखाया जा रहा है उसमें के डी फिफ्टी के डी फाइव जीरो बिना किसी स्पेस के आप कोड डाल देना वो सीधा 50 परसेंट आपका रेट हो जाएगा के डी फाइव जीरो के डी फिफ्टी तो फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट सीधा हो जाता उसमें। है उसमें ठीक है वहां पे कोड यूज करिएगा के डी फिफ्टी या फिर अगर आप यहां से देख रहे हो तो अब जाकर सोशल O सी आई ए एल सोशल वर्ड भी आप वहां पर डालोगे कोड तो भी आपका फिफ्टी परसेंट हो जाएगा चलिए सुरक्षा ध्यान से बेटा इंग्लिश में सीधा सीधा आधा लेटर्स हो जाता है 52 लेटर्स होते हैं हिंदी अल्फाबेट में इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं अगर हम 26 लेटर्स, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है ना जेड बोलते हैं अमेरिकन जी बोलते हैं क्यों क्योंकि उसका साउंड जी आता है अब मैंने कहा क्या ए बी सी डी अब देखोगे ए जो है ना ये हमारा वॉल है बेटा वॉवल नहीं बोलते वाउल बोलते हैं वाउल जैसे तोलिया को क्या कहते हैं टावल टावल नहीं टावल जो डब्ल्यू साउंड है ना यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट होगी कहो कहोगे मैम साइलेंट क्यों हो रहा है बेटा यही तो पंगा है इंग्लिश में 26 लेटर्स है इनके ४४ साउंड्स हैं है क्यों इतना ४४ साउंड्स साउंड क्यों भाई हिंदी में तो 52 लेटर्स है उनके अपने अपने 52 साउंड्स हैं हिंदी में 52 लेटर्स के अपने सबके अपने साउंड हैं। तो इंग्लिश में क्या हो गया इंग्लिश में इनके पास 26 ही लेटर्स थे जब छब्बीस लेटर्स है तो उसके 44 फोर साउंडस और अगर मैं 44 साउंड्स की बात करूं तो बेटा सबका साउंड पहले हम देख लें और याद रखिएगा ये स्पोकन इंग्लिश की किताब आप चाहो तो ले लो इसमें और भी सेंटेंसेस मिलेंगे जो मैं आपको करवाऊंगी उसके अलावा देखिए जो साउंड्स है जो लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट के अगर हम ए पर आए तो ए का उच्चारण ध्यान से सुनना बेटा क्योंकि आपको इन लेटर्स के जो साउंड है ना हर जगह पे अलग अलग साउंड हो जाते हैं कई जगह पे आपको अलग अलग साउंड सुनाई पड़ेंगे जैसे कैट, ए, कार, आ, एट ए ग्लास ग्ला आ आ, है ना कार एंड ग्लास ग्लास में ग्लास नहीं बोल रही हूं मैं इसलिए आ का साउंड नहीं आ रहा है लेकिन कार कार नहीं बोला कार नहीं बोला इट्स कार तो आराम से जब बोल रहे तो आ का साउंड आ रहा है और ग्लास आ का साउंड आया है. है ना मे ए ए लॉन्ग साउंड है देखो लैंड ए लैंड है ना मे लैंड देख रहे हो आप साउंड ए ए का साउंड जो आ रहा है वह लॉन्ग साउंड आ रहा है मे लैंड राइट तो ए और ए दो साउंड है यहां पर ए खाली नहीं है ए भी साउंड है याद रखना वो लॉन्ग साउंड ओ मोड ओनियन नहीं होता है अनियन अट ओ गुड ऊ गुड एंड मूव मूव नहीं है मूव है बेटा ये लॉन्ग और शॉर्ट का इतना डिफरेंस है कि आपको हंसी आ जाएगी सुन के नेक्स्ट वर्ड बेटा बीच एंड बिच बीच समुद्र का किनारा है ना गोवा की बीचस बिचेस मत बोल देना ये तो गाली हो जाएगा है ना नहीं फीमेल डॉग को बिच कहते हैं इसीलिए देख रहे हो हिट हीट फिट फीट एफ डबल फीट तो वो लॉन्ग एंड शॉर्ट कितना शॉर्ट रखना है कितना लॉन्ग करना है वो भी इंपॉर्टेंट है ई का प्रोनाउंसिएशन बेड ए मद मद अ अम दो ई था सीम ई इडियट ई इडियट ईडियट नहीं बोल रही मैं इडियट है ना इडियट देखो ई आई का प्रोनाउंसिएशन देखो हिट ई नाइन आई नाइन आई का प्रोनाउंसिएशन आई आर आस्ट अ फ आई का प्रोनाउंसिएशन अ आर आय एंड आयन बेटा आयरन नहीं होता इट्स आयन आर साइलेंट यहां पर आयन है ना तो देखो आई हो गया आई का प्रोनाउंसिएशन आई भी हो रहा है आई का प्रनाशन ई भी है आई भी है आयन आयन नहीं बोला मैंने आयन लेकिन नाइन बोला आई बोला फर्स्ट देखो ध्यान से समझ में आ रहा है साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए सबसे पहले मैं आपको यही कह रही हूं बेटा साउंड पर ध्यान दो क्योंकि यही तो साउंड है जो इंग्लिश में आपको प्रोनाउंसिएशन सही कर देगा हिंदी रीजनल लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश अगर बोलना है ना आपको तो मत बोलना प्लीज ठीक है समझ में आया नेक्स्ट आप ध्यान से देखो मैंने क्या कहा ओ का प्रेनाउंसिएशन में देख रहे हो मोड आनियन कॉट गुड मूव का प्रोनाउंसिएशन यू का प्रोनाउंसिएशन ऊ निकल रहा है जगह पुल ऊ का प्रोनाउंसिएशन यू का प्रोनाउंसिएशन ऊ भी निकला पुल यू का प्रोनाउंसिएशन आ भी निकल रहा है बट आ भी निकल रहा है बाई आ बाई बा बाई जून ऊ निकल रहा है देखो ऊ और ऊ यहां पे तो मैंने कहा पुल पूल नहीं कहा मैंने पुल कहा और यहां पे मैं कह रही हूं जून जून नहीं कहा जून क्यूट क्यूट यू यू का प्रोनाउंसिएशन रहा है है ना देखो यू का प्रोनाशिएशन यू भी है जो एक्चुअली हम यू बोलते हैं ना वो यहां पर दिख रहा है बस बाकी जगह तो बस डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन वाई ईयर ईयर नहीं है ईयर तो कान है ईयर जिम सॉरी ई एंड माई वाई का प्रोनाउंसिएशन आई निकला सो so, देख रहे हो अगर मैं ए ई आई ओ यू का प्रोनाउंसिएशन दिया आपको आपको तो मैंने आपको ये ए ई आई ओ यू बेटा वावल नहीं कहेंगे इसको वाउल कहेंगे है ना पांच है जानते हो वाई को हम सेमी वाउल कहते हैं क्यों क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन भी ई e -E निकल रहा है देखो ना जो कि ई e, e, e का भी प्रोनाउंसिएशन निकलता है इसलिए हम वाई और डब्ल्यू को कई जगह पे सेमी वॉल कहते हैं ठीक है लेकिन अभी हम ज्यादा आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहते मैं चाह रही हूं कि डिफरेंट लेटर्स को कैसे प्रनाउंस करते हैं वो पहले हम देख ले जो हम फिनेटिक्स में देख रहे हैं बेटा देखो फिनेटिक्स बोलते हैं फोनेटिक्स नहीं बोलते हैं। अब आओ A का बता दिया आपको बी का प्रोनाउंसिएशन ब सी का स भी होता है और प्रनाउंसिएशन सी का क भी होता है प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना इट्स प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करना वर्ब के लिए प्रनाउंस ठीक है डी का प्रोनाउंसिएशन ड लेकिन डोक बजा के जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वैसे मत बोलना थोड़ा सॉफ्ट करो डे डे नहीं इट्स डे टोमेटो पोटेटो है ना टो तो, 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 ड बजा के मत बोलना राइट ऑफकोर्स बेटा इंग्लिश स्पोकन जहां जहां काम में आता को बता दू एस एस बी में इंग्लिश देखा जाता है आपका आपका इंग्लिश अगर स्पोकन सही नहीं है तो बेटा एनडीए सीडियस भूल जाओ फिर ठीक है नेक्स्ट हाई e का बता चुकी मैं एफ का बहुत ध्यान से सुन लो सारे बिहार के बच्चे मेरे हा हा हिंदी है इंग्लिश में फ होता है फ क्या होगा फ हवा निकल रहा है देखो हिंदी का फ ये दोनों होट चिपकते हैं हिंदी में, फा. English में फ इंग्लिश में देख रहे हो फ यानी हवा निकल रहा है दोनों होट के बीच में से चिपक नहीं रहे इसीलिए हिंदी का फूल गाना सुने फूल तुम्हें भेजा है खत में है ना फ होता है और इंग्लिश में फूल मूर्ख है ना देखते हो लड़कों को फूल देकर आपको फूल बना देते हैं समझ में आया इसीलिए मैंने कहा है बेटा नीचे फा के नुकता है, देख लो। जी का भी होता है कई जगह पे और ज भी होता है जिम में ज है गन में है एच का ह आई बता चुके ज के का क, जे का ज है और जेड का ज है ज ज़, एल का ल है, एम म एन न ओ बता चुकी मैं पी का प, क्यू का दो है क्वा क्वीन खुआ खुआ निकला ठीक है ना इसलिए याद रखना अगर मैं क्यू का कह रही हूं तो कई जगह पे क निकलेगा और कई जगह पे ख निकलेगा आर S का तीन है साइलेंट सा, शुगर श पॉइजन जन जिस ओ एन का जन निकल रहा है देखो ज टी का ट यू का बता चुकी मैं वी व डब्ल्यू व वो वो वन देखो वन याद रखना वी और डब्ल्यू में जब आप प्रेनाउंसिएशन करते हो ना तो डब्ल्यू में गोल हो जाता है होठ वन और वी जो होता है ना उसमें आप अपने नोवल लिप को बाइट करते हो जैसे वी ए एन वैन देख रहे हो वैन ठीक है वी में नीचे वाले लिप को थोड़ा बाइट हल्का सा करते हैं वैन और W में गोल करते हैं वन देखो X में X का प्रोनाउंसिएशन कई बार ज भी होता है और कई बार खाली जैसे और सर, सर के हिसाब से निकलता है एक्स रे देखते हो एक्स है ना ठीक है uh, जैसे जेनोफोबिया जेनो जेनो इज द वर्ड रिलेटेड टू फॉरेन तो यहां पे ज है यहां पे ज नहीं यहां पे ज है ये ध्यान रखना ये यह यहां पे ज है देखो यहां पे ठीक है।, है क्लियर समझ में आ रहा है बेटा अब देखो ये सारा मैंने आपको इसलिए बताया कि सारे लेटर्स मैंने लिख दिए हैं जो जितने लेटर्स होते हैं छब्बीस लेटर्स और सबका मैंने देखो आपको पूरा प्रनाउंसिएशन बता दिया कि उसके उच्चारण क्या क्या है अब जब हम जोड़ेंगे तो बेटा आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है सबसे पहले आज मैं आपको बहुत ही आसान चैप्टर कराने वाली हूं और मैं आपको सबसे पहले आज दुनिया भर के विशेषताओं से रिलेटेड वो कराऊंगी स्ट्रक्चर मात्र तीन स्ट्रक्चर रहेगा आपका और उन तीन स्ट्रक्चर में दुनिया भर के मैं आपको क्या कराऊंगी एजेक्टिव राइट अब आप क्या करोगे जैसे क्लास खत्म होगा नीचे कमेंट्स में आई एम शी इज इट इज वी आर दे आर करके कोई भी एडजेक्टिव डाल देना है ना कभी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में डाल देना अपनी मदर के बारे में डाल देना अपने पापा के बारे में डाल देना अपने बारे में डाल दो हम सभी के बारे में डाल दो लेकिन कोई एक एडजेक्टिव से आप जरूर बना के सेंटेंस नीचे डालोगे ठीक है इससे क्या होगा अभी देखो जितने भी लोग देखेंगे मान लो अभी एट सिक्सटी लोग देख रहे हैं अभी मत डालना बेटा अभी तो डालोगे तो सारा इधर उधर हो जाएगा ना क्लास खत्म होने के बाद कम से कम हजार तो आप सेंटेंस डाल ही दोगे राइट और आप अकेले को हजार एडजेक्टिव्स मिल जाएंगे समझ में आ रहा है मैं अकेले दे सकती हूँ इतना क्या नहीं उसके बाद आपको क्या करना है क्लास देखना है नीचे भी अगर देखोगे ना आप तो आप वो कमेंट में इतने ढेर सारे सारेक्ट मिल जाएंगे सुनो ध्यान से अब मैं पहले बता दूं कि जैसे सी का मैंने कहा था क भी होता है सी का स भी होता है जनरली मैं हमेशा नहीं कहूंगी बेटा हमेशा नहीं जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सी के बाद ए आए तो सी का प्रोनाउंसिएशन क निकलेगा जैसे कैट सी के बाद ओ आए तो प्रोनाउंसिएशन क निकलेगा जैसे कॉट है ना खाट जैसे कहते हैं अगर आ एल आए एल आए, आए तब भी क निकलता है जैसे क्लीन क्लर्क क निकल रहा है जैसे यू अगर आता है तब भी क निकलता है कट यानी सी का स भी था सी का क भी था लेकिन क कब निकलता है जनरली इसमें आप कहोगे मैम केमिस्ट्री में भी तो क निकल रहा है है ना सी के बाद एच आ रहा है तो केमिस्ट्री हो रहा है तो ऐसे बहुत सारे है लेटर्स लेकिन मैं कह रही हूं हमेशा नहीं जनरली आपको क का साउंड निकलेगा जब ए आएगा ओ आएगा यू आएगा एल आएगा और अभी मैंने कहा था फ और फ के बीच में फ और फ के बीच में देखो डिफरेंस ये मूर्ख को हम कहते हैं फूल और गुलाब का फूल फूल नकली फेक फेकना फेकना, फेक फेकना नहीं है फेक हुआ नकली फेक फेकना यानी कि कोई चीज आप फेंक रहे हो देखो इसलिए हिंदी वाला फ और इंग्लिश वाला फ आप अगर इंग्लिश बोलोगे तो खाली फ का प्रोनाउंसिएशन करना ठीक है चलिए अब आती हूं मैं आज मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज में लेके चलूंगी यूज ऑफ इज एम आर हम कहा यूज करेंगे इज कहां एम कहा आर सबसे पहले सुनो इज़ आता है ही के साथ शी के साथ इट इज राम नेम है राम इज सिंगुलर द बॉय इज प्रोनाउन में जैसे एवरी वन इज सिंगुलर के साथ देख रहे हो सब सिंगुलर है सिंगुलर मतलब एक वचन एक लड़का एक लड़की एक निर्जीव वस्तु अब इट क्या के लिए इस्तेमाल होता है साथ एम आता है यू आर हम लोग वी आर दे वे दे आर बॉयज आर यानी कि सारे बहुवचन प्लस यू के साथ आर आता है ये पहले ध्यान से समना ही शी एट नेम सिंगुलर के साथ इज आई के साथ एम यू के साथ आर वी दे यू प्लूरल के साथ आर आता है ठीक है समझ में आया क्या करता है ये इसमान बेटा किसी के बारे में कुछ बताता है क्या बताया मैं क्या हूं आई एम अ टीचर आई एम अ टीचर मैंने एक अपने बारे में अपना पोजीशन पद बताया वो नाउन है मैंने पोजीशन बताया नाम बताया एक पद का नाम बता रही हूं आई एम अ टीचर दूसरा सुनो ही इज ही के साथ क्या आया इज ही इज क्या घमंडी mm, एरोगेंट अब ये क्या बताया बेटा ये विशेषता बताया तभी तो मैं कह रही हूं आज आप मुझे किसी भी व्यक्ति के बारे में माय फादर माय मदर ही कुछ भी उसके बारे में बताओगे जैसे अभी मोना ने कह दिया ही इज डेड खत्म मर चुका टाटा बाय बाय है ना सिर्फ ध्यान से अब है ही किसके लिए आता है बेटा ही आता है लड़का के लिए शी किसके लिए आता है किसी लड़की के लिए इट क्या है भाई सर्वनाम है किसके लिए आ रहा है निर्जीव वस्तु और जानवर के लिए नाम मतलब भाई राम श्याम दे दिया दिल्ली भी लिख सकते हो दिल्ली का इंग्लिश डेली बेटा इंग्लिश बोल रही हूं मैं मिस्र नहीं बोलना इजिप्ट बोलना है ना अमेरिका नहीं अमेरिका रूस नहीं रशिया रशिया भी नहीं है वो रशिया है है ना समझ में आया तुर्की नहीं टर्की अब तो वो तुर्की है कर लिया अपना नाम नहीं दिल्ली नहीं डेली तो इसीलिए इंग्लिश नाम बोलोगे हिंदी वाला नाम नहीं अब सुनो एक वचन कोई भी हो जैसे कि राम श्याम बॉय गर्ल सब तो एक ही है तो एक संज्ञा हो या सर्वनाम हो उनके साथ इज लगाएंगे मे के लिए आई लगाते हैं आई के साथ क्या आता है आम तुम हो या आप हो इंग्लिश में एक ही वर्ड है बेटा यू यू आर हम के लिए वी वी आर ही का बहुवचन दे एक लड़की है तो शी दो लड़कियां हैं तो दे एक लड़का है तो ही दो लड़के हैं तो दे एक बुक है तो इट दो किताबें हैं तो अगेन दे दे के साथ आर ही शी इट तीनों का बहुवचन दे होता है यानी कोई भी बहुवचन हो बॉयज हो गर्ल्स हो दे हो ये क्या है सबके साथ आर आएगा और इसके बाद क्या आएगा भाई इसके बाद कुछ भी लगा लो जो भी चाहते हो मोना ने लिखा आई एम ब्यूटिफुल लो यानी कि जितने भी एबजेक्टिव चाहिए आपको लगाते चले जाओ आपका सेंटेंस बनता चला जाएगा ध्यान से देखना बेटा मैं लंबा हूं आई एम टॉल यानी जब आप अपनी लंबाई की बात कर रहे हो टॉल अगर मैं कहूं भाई मैं नाटा हूं कैसे मैं नाटी हूं कैसे बोलो मैं आई एम शॉर्ट आई एम शॉर्ट हाइटेड शॉर्ट या शॉर्ट हाइटेड राइट तो टॉल शॉर्ट टॉल शॉर्ट मैं अस्वस्थ हूं मुझे तबियत मेरी ठीक नहीं है मैं कैसे बोलू आई एम अनवेल अनवेल ठीक हूं आई एम फाइन समझ में आया अगर मैं कह रही हूं टॉल हूं तो अगर आप इसका अपोजिट चाहते हो तो कह दो आई एम शॉर्ट या आई एम शॉर्ट हाइटेड ये भी कह सकते हो आई एम अनवेल अब मैं कहू मैं ठीक हूं मैं स्वस्थ हूं आई एम हेल्दी बेटा हेल्थी का मतलब मोटा नहीं होता है मतलब यानी कि आप अगर अब आग ये बोलोगे क्या साइन है बेटा ये साइन है, स्वस्थ हो गया, अस्वस्थ का एंटोनियम मैं जो आपको दिखा रही हूं पिक वो वो है जो लिखा हुआ है समझो ध्यान से बेटा अब मैं कह रही हूं मैं एक अच्छा वक्ता हूं बोलने में मेरे बहुत अच्छा बोल लेती हूं i am an orator बेटा ओरल से बना है ओरेटर ओरल मौखिक होता है ओरेटर जो अच्छा बोल लेता है यानी i am an orator मतलब मैं अच्छा बोल लेती हूँ। अगर आप नाउन यूज नहीं करना चाहते हो तो आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो i am articulate आर्टिकुलेट क्या है एडजेक्टिव है इसका मतलब है कि मैं एक अच्छा वक्ता हूं ध्यान से समझना जब आप कह रहे हो कि मैं एक अच्छा वक्ता हूं आई एम एन ओरेटर अगर मैं अच्छा बोल लेती हूं आई एम आर्टिकुलेट इसी का तो एक ईडियम भी आता है गिफ्ट ऑफ द गैब जब अच्छा बोलने की कला होती है छोड़ो वो सब वो सब अभी बाद में मैं वीर हूं अब आप देख रहे हो मैं यहां पे वीर यानी कि अपनी विशेषता बता रही हूं आई एम ब्रेव ब्रेव अब ब्रेव कहो या करेजियस कहो दोनों का मतलब हो गया ब्रेव अब कहोगे कि मैं तो कायर हूं कायर होता है टिमिड टिमिड का मतलब कायर ध्यान से देखो बेटा जैसे ये साइन लगाऊंगे समझ जाना एंटोनिम बोल रही हूं मैं कायर है ना समझ में आया मैं वीर हूं आई एम करेजियस आई एम ब्रेव देखो मैं चौकस हूं अब चौकस का मतलब क्या होता है अलर्ट अच्छा मैंने वहां पे लिख दिया जहां पे ये वर्ड था तो करेचियस का मैं एंटोनिम यहां लगा दू टिमिड ठीक है अलर्ट अलर्ट का मतलब होता है चौकस एकदम चौकन्ना जैसे देखते हो हमारे जो कुत्ते होते हैं रात में कैसे होते हैं दे आर अलर्ट ठीक है कावर्ड यस मानस कावर्डली लगाओगे फिर तो एग्जेक्टिव लगाओगे तो ही इज अ कावर्ड कह सकते हो इसलिए मैंने नहीं दिया क्योंकि कावर्ड का एग्जेक्टिव फॉर्म कावर्डली होता है वो सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं उसको अभी मत देखो ठीक है विक्रांत लाइव और रिकॉर्डेड बेटा दोनों अलग होगा रिकॉर्डेड में आपको ये पूरा सारे सेंटेंसेस मिलेंगे लाइव में मैं सेंटेंसेस डिफरेंट करने जा रही ताकि आपको ये पूरा रिकॉर्डेड वाला भी मिल जाएगा अगर आप 1500 हंड्रेड लोगे तो और लाइव में मैं सेंटेंस अलग कर दूंगी दुनिया भर के सेंटेंसेस आपके पास हो जाएंगे राइट right? देखो मैं ढीठ नहीं हूं ढीठ मतलब भाई स्टबर्न अब लिखा हुआ है स्टबॉन देखो मैंने कहा था ओ का प्रोनाउंसिएशन खाली ओ नहीं है भी होता है तो आप समझ गए ना स्टबर्न है स्टबन नहीं है स्टबर्न है राइट right? यानी कि मैं ढीट नहीं हूं स्टबर्न बेटा स्टबर्न का आप चाहो तो सिनोनिम लिख सकते हो एडामेंट और जो ढीट नहीं होते ना तो वो होता है फ्लेक्सीबल जो ढीट नहीं होते वो लचीले होते हैं है ना वो बाघ भी मान लेते हैं ओबीडियंट भी होते हैं स्टबर्न तो का सिनोनिम है एडमेंट यानी कि ढीट और उसका एंटोनिम क्या होगा फ्लेक्सिबल देखो मैं सभ्य पुरुष या सभ्य महिला हूं तो मैं क्या हूं आई एम अजेंटल मैन आई एम अ जेंटल मैन अगर आप सभ्य पुरुष है तो एक सेकेंड एडमेंट ठीक है और अगर आप सभ्य महिला है तो आई एम सभ्य महिला लेडी देखो आप जनरली अपनी किताब में देखोगे यार कि लेडी एकदम हाथ वगैरह पहन के बहुत सुंदर से मर्द भी है हाथ वगैरह कोट वगैरह पहने तो जेंटलमैन हालांकि जेंटलमैन का मतलब होता है सभ्य पुरुष विनम्र जो होते हैं ठीक है मैं आशावादी हूं यानी कि मैं निराशा में नहीं रहती हूं मैं आशावादी हूं आशावादी का इंग्लिश है ऑप्टिमिस्टिक क्या बोलोगे ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक राइट देखो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक है है ठीक यानी कि आप आशा से भरे हुए हो मैं विद्यार्थी हूं आई एम अ स्टूडेंट बेटा स्टूडेंट नाउन है जब भी कभी किसी का नाम बताओगे मैं कहूंगी पढ़ने वाले को नाम दिया है मैंने स्टूडेंट तब ये आर्टिकल आएगा एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आता वो धीरे धीरे कर लोगे आ बनवीर आई एम ट्राइंग टू डू इट वेरी फास्ट बेटा थोड़ा सा टाइम लग रहा है बुक अच्छी है लेकिन जीएस का लेकिन इंग्लिश मीडियम अभी नहीं आ पाया ठीक है नेक्स्ट सुनो मैं विद्यार्थी हूं आई एम अ स्टूडेंट मैं निराशावादी नहीं हूं तो ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा क्या था आ गया पैसे तभी तो मैंने नहीं लिखा है ना ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा पेसिमिस्टिक आशावादी ऑप्टिमिस्टिक निराशावादी पेसिमिस्टिक ठीक है ना क्लियर अब आप कहोगे मैम जेंटलमैन का उल्टा बेटा जेंटलमैन होता है सभ्य पुरुष है ना तो जो असभ्य होते हैं जो बदतमीज होते हैं उसको रूड कह देते हैं इनसोलेंट कह देते हैं है ना इनडिसेंट आदमी सभ्य नहीं है, असभ्य तरीके से बिहेव करता है तो मैं कहूंगी आई एम Not इनडिसेंट अगर जेंटलमैन और लेडी का उल्टा देखोगे तो इनडिसेंट होगा जो डिसेंट नहीं होते हैं वो इनडिसेंट कहलाते हैं तो मैं कहूंगी आई एम नॉट अ जेंटलमैन और लेडी दोनों को हटा के इनडिसेंट लिखोगे ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा पेसिमिस्टिक और एडमेंड का उल्टा फ्लेक्सिबल मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम दोनों कराते जा रही हूं क्योंकि आपको दोनों काम में आएगा है ना समझ में आ रहा है बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक नेक्स्ट आप देखो वो पागल है ही या ही तो अगर आप कहोगे भाई पागल नहीं है तो इनसेन का उल्टा सेन हो गया समझ में आया समझदार है सेंसिबल है यार वो वो सेन है सेन या सेंसिबल मैं इधर कर देती हूं उधर दूसरा वर्ड आ जाता है सेन का एंटोनेम इनसेन का antonym, या सेंसिबल समझदार पागल नहीं है ही सेंसिबल ही सेन ठीक है पागल हो गया मैड या इनसेन देखो बेटा मैं बहुत सारी वो कैबलरीज करा दू की बस क्लास के बाद आपका काम यही है आधा पौना घंटा निकालो इन वो को इस्तेमाल करो और ही के साथ इज निकलेगा आई के साथ आम ही निकलना है दे के साथ मुंह से आर निकलना चाहिए यू आर ही इज़, 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 दे आर, आर, वी आई एम, शी इट इट अब के साथ क्या आता है इतना सोचने का समय नहीं होता इंग्लिश बोलने में सी वो वस्क है यानी कि अगर आप कहोगे भाई एडल्ट है वो ही इज अनडल्ट वेस्क है बड़ा है देखो देख रहे हो उम्र में वेस्क है यानी कि वो मेजर है माइनर नहीं है एडल्ट का उल्टा क्या होगा चाइल्ड माइनर है ना समझ में आया वो अविवाहित पुरुष है अविवाहित ही इज अ बैचलर सलमान खान है ना रतन टाटा ये लोग क्या है दे आर बैचलर्स बैचलर होते हैं भाई जब अविवाहित पुरुष होते हैं और इसका उल्टा क्या होगा फिर इसका उल्टा होगा मैरिड अब कहोगे मैम अविवाहित पुरुष तो समझ में आ गया अगर अविवाहित महिला हो तो अगर अविवाहित जिसकी शादी नहीं हो उसकी बात हो रही है अविवाहित लड़की की बात हो तो बेटा अविवाहित लड़की को हम मेडन कहते हैं ठीक है या फिर हम डैमसल कहते हैं शी इज अड अगर आप कहोगे मैम अविवाहित जैसे 40-50 साल की महिला जो अविवाहित तो है लेकिन लड़की नहीं है बूढ़ी हो चुकी है उम्र हो चुका है महिला हो गई है 40-50 साल की बेटा उसको हम स्पिंसटर कहते हैं स्पिस्टर देखो कितना बता रहे हैं आपको समझ में आया क्लियर मैं थक चुका हूं वह थक चुका है ही इज टायर्ड अगर मैं कहूंगी थका हुआ नहीं है ही इज फ्रेश ही नॉट टायर्ड ही इज फ्रेश ठीक है एनर्जेटिक अगर आप कहोगे एनर्जेटिक एनर्वेटेड होता है जब आपका एनर्जी निचुड़ चुका होता है तब टायर्ड फील करते हो जब एनर्जी से भरे हुए हो तो फ्रेश कहा टायर्ड हूं फ्रेश नाउ देखो नेक्स्ट वो चलाक है इज क्लेवर आप कहोगे भाई मूर्ख है क्लेवर नहीं चलाक नहीं है तो कहेंगे ही इज फूलिश क्लेवर का उल्टा होता है फूलिश देखो Clever जो होगा देखो कितना जल्दी कुछ भी सॉल्व कर देगा है ना समझ में आया देखो देखो क्लियर एडल्ट अगर आप नहीं हो बेटा तो आप कहोगे ही माइनर, अठारह साल से कम जो होते माइनर होते हैं और मैं अगर टायर्ड नहीं हूं तो मैं इसका उल्टा क्या हूं एकदम फ्रेश हूं कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे देखो मैं फ्रेश हूं तो मैं टायर्ड नहीं हूं और सब्जी अगर फ्रेश है तो सब्जी स्टेल नहीं है बासी नहीं है ये दोनों अलग अलग चीज है याद रखना राइट देखो समझ में आ रहा है आसान है बेटा ये आपको समझना पड़ेगा वह आज्ञाकारी है यानी कि वो बात मानता है ही इज ओबीडियंट बेटा स्टबर्न का उल्टा तो हो सकता है ना अगर ओबीडियंट का उल्टा करोगे तो बेटा disobedient होता है dis डिस एंटोनिम बनाता है disobedient। ठीक है इसका एंटोनिम होगा disobedient। अगर वो बात नहीं मानता है तो वो डिसोबीडियंट है बात मानता है तो ओबीडियंट है पाखंडी है यार ऊपर से कुछ अंदर से कुछ है हिपोक्रेट He is a hypocrite. समझो ध्यान से He is a hypocrite. देखो देखते हो इसका मुंह देख के पता चला चलापोखरेट ही है वह असामान्य है भाई नॉर्मल नहीं है वो He is abnormal. देखो नॉर्मल का उल्टा होता है एबनॉर्मल और ओबीडियंट का उल्टा होता है डिस देखो ध्यान से उल्टा भी एबनॉर्मल का उल्टा होता है नॉर्मल बेटा जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो ना आप देखोगे सारे वर्ड्स जो होंगे ना वो अलग ही वर्ड रहेंगे ठीक है ना अगर मैं पागल कहूंगी तो वहां पे पागल मैड नहीं दूंगी इनसेन दूंगी इसलिए याद रखना जैसे समझाती हूं कि इडियट जैसा क्रेजी जैसा ऑफ वियर्ड बिहेवियर वियर्ड बिहेवियर कहूंगी स्ट्रेंज नहीं कहूंगी तो वो सब अलग चीज है यहां पे जो मैं आपको बता रही हूं वो है एबनॉर्मल का, देख लो ध्यान से नॉर्मल उल्टा गृहिणी है घर के घर में रहती है शी इज हाउसवाइफ या फिर आजकल थोड़ा सा इनको एक डिसेंट तरीके से हम लोग नाम दिए हैं एंड दैट इज होम मेकर नो शी इज नॉट अ हाउसवाइफ शी इज अ वर्किंग वुमेन तो हाउसवाइफ का उल्टा क्या कहते हैं वर्किंग वुमेन है ना देखो हाउसवाइफ नेक्स्ट वो अच्छाई से भरा हुआ है भाई बहुत अच्छा है अच्छाई से भरा हुआ शी इज वर्चुअस वर्चुअस देखो इनके बारे में तो हमेशा कहोगे भाई बिल्कुल अच्छाई से भरे हुए थे वर्चुअस थे है ना वह स्वस्थ है ही इज हेल्थी मैंने कहा था हेल्थी का मतलब मोटा नहीं है स्वस्थ है अगर मैं कहूंगी भाई अगर आप देखो कौन है ये बताओ इनका नाम बताओ हेल्दी का उल्टा ही इज इल अनवेल एंटोनिम में अनहेल्दी अनहेल्दी तो फूड वगैरह के लिए यूज करने लगते हैं हम लोग नहीं कौन है बताओ नुमन प्लीज अभी पढ़ाई करो बेटा समझ में आया अच्छी हेल्थ है आपकी तो आप हेल्दी हो अच्छी हेल्थ नहीं है आपकी आप सिक आप हो आप अनहेल्दी हो आप क्या हो आप अनवेल हो आप इल हो ठीक है बोल्ड यस वेरी गुड नेक्स्ट आ वो अकेली है इज अलोन अच्छा अकेली है और हाँ उसे नो यस हितेश वेरी गुड सुनो अगर मैं कहूं अकेली भी है और उदास भी है तो इज लोनली कहते हैं ना राइट right? तो यहां की बात कर रही हूं तो alone. She is alone. देखो राइट right? वो दयालु है वे दयालु है दयालु जो होते हैं क्या होंगे दे आर काइंड अगर काइंड की बात करो तो बहुत सारे सनॉन हैं है इसके काइंड ऑल्ट्रिस्ट

क्या है ये दे आर नॉट वो निराश है ही इज डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है निराश होना देखो इसकी शक्ल से पता चल रहा है कि वो डिसअपॉइंटेड है वो निराश है देखो आपको ये समझ में आ रहा है ना अब ये ध्यान रखना कि आपको जो मैं वो करा रही हूं उसको पूरा का पूरा आप देखोगे डिसअपॉइंटेड का उल्टा बेटा वही चीज जो बताया था आशावादी ऑप्टिमिस्टिक है ना दे आर नॉट कावर्ड्स तो क्या कहोगे दे आर ब्रेव कावर्ड्स का उल्टा क्या हो गया ब्रेव एलोन इज नॉट एलोन शीज विथ ठीक है दयालु है काइंड काइंड का उल्टा क्लियर नेक्स्ट आप वे दिलदार है दिलदार मतलब बेटा पैसा खोल के दान देने वाले दिल खोल के दान देने वाले सबसे आसान वर्ड है जेनरस जेनरस जाया देखो जी का प्रोनाउंसिएशन में जाया है ना दे आर जेनरस राइट वे आलसी है बिल्कुल आराम करते रहते हैं लेजी लेजी का मतलब लिथार्जिक इंडोलेंट ये सब क्या है लेजी राइट नेक्स्ट हाउ वो साधारण है, ही सिंपल तामझाम नहीं नोटंकी नहीं सिंपल देखो वो कंजूस है ही स्टिंची देखो सारे पैसे पीछे रखा है खाली चवनी तमारा है इसको ये, राइट वो गरीब है पुअर का उल्टा होता है रिच बेटा इसके बहुत सारे है, रिच के लेकिन हम सिनोनिम्स का क्या करें यहां पे, वेल दी वेल ऑफ वेल टू डू ठीक है ना लेकिन ओप्यूलेंट लेकिन हमें कुछ नहीं करना है यहां पे, ठीक है अगर हम सिंपल का उल्टा करें तो स्टाइलिश बहुत स्टाइल मारता है फ्लैम जो ऑस्टेंटेशियस ना nah, वो सब नहीं लगाना हमको जब स्टीन जेनरस का उल्टा हो गया स्टीन देखो जेनरस का उल्टा मैं नीचे आ गया चलो इसका उल्टा हम एक और वर्ड दे दें आपको दूसरा वर्ड माइजरली कंजूस वही कंजूस का लेजी जो होते हैं वो आलसी होते हैं तो आलस नहीं एनर्जेटिक है बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी है ना रेयरिंग टू गो जिसो कहते हैं ना लाइव वायर कहते हैं एकदम करंट लगता लगता है जैसे कि वो करंट है नहीं तो शीर्ष वायर वो भी तो कहते हैं तो लेजी का उल्टा को कह सकते हो आप एनर्जी से भरी हुई एनर्जेटिक इसका एक और है अ लाइव वायर जब वायर में करंट होते है, देखते हो ऐसे से नाचता है वही राइट देखो बहुत सारे वर्ड्स आज दे रही हूं मैं आपको और ध्यान से देखते जाओ सब ये स्वादिष्ट है इट टेस्टी स्वादिष्ट टेस्टी और क्या डेली ठीक है ना अब ये मीठा है इट इज स्वीट तो फिर खट्टा है इट इज साड़ देखो सावर नहीं करना sour. right बस सीधा इट इज सार ये कड़वा है इट इज बिटर टेस्ट पे आ गई मैं आप देखो व्यक्ति से हम सीधा टेस्ट में आ गए कोई आपको कोई दिया है आ, कोई लस्सी दिया या मान लो कोई आपको नींबू पानी दिया उसमें ढेर सारा मीठा लग रहा है आपको बहुत सारा शुगर डाला हुआ है कहोगे इट इज शुगरी ये तो बिल्कुल चीनी से भरा हुआ है नहीं ये मसाले दाल है मसा, मसालेदार सॉरी ये मसालेदार है इट इज स्पाइसी राइट ये बेस्वाद है तभी मैंने टेस्टी का उल्टा नहीं लिखा था क्योंकि आगे आ रहा था इट इज अनसेवरी है ना आपको अच्छा नहीं लगे ब्लैंड भी कह सकते हो इसको इसका मतलब होता है कि भाई इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं महसूस हो रहा है कुछ भी नहीं है बेस्वाद है इट इज ब्लैंड इट इज अनसेवरी ठीक है क्लियर डैडी क्या कर रहे हो <laughs> ये चटपटा है इट इज पिकवेंट इट इज पिक्वेंट पिक्वेंट का मतलब चटपटा बहुत ही चटपटा मसालेदार चटपटा जो जैसे आपके चाट होते हैं ना राइट right? देखो ये तेल युक्त है बेटा इसमें बहुत तेल है इट इज ऑयली राइट जैसे देखते हो समोसे ऑयली रहते हैं बहुत ज्यादा ये रसीला है रस से भरा हुआ जैसे कि मैंगो, जूसी मैंगो नहीं देखो राइट right? ये भव्य है अब हम इमारत में आ रही हूं मैं भाई इतना बढ़िया मंदिर बना है इट इज मैग्निफिसेंट देखो मैग्निफिसेंट राइट right? ये महल नुमा इतना बड़ा पैलेस की तरह है बेटा पैलेस की तरह पैलेशियल देखो ठीक है इट इज पैलेशियल यानी कि पैलेस की तरह यह सुपर चैट देखा मैंने वो तो मैं कह रही हूं गोट क्या डैडी सुपर चैट क्यों भेज रहे हो बेटा पढ़ो मस्ती से पढ़ो ऐसे तो पढ़ा रही हूं मैं है ना पैलेशियल देखो महल नुमा है। ये गाना अश्लील है भाई ये गाना अब देखो मैंने इट ही शी से थोड़ा सा हटके चल रही हूं बेटा ये गाना इसका मतलब समझ रहे हो एक ही गाना है एंड दिस सॉन्ग दिस सॉन्ग राखी सामंत देखते हो उसका सॉन्ग जो रहता है दिस सॉन्ग इज वर् ठीक है ना दिस सॉन्ग ये गाना एक गाना है इसलिए दिस सॉन्ग आप कहोगे मैम दो तीन गाने ऐसे हैं तो दीज सॉन्ग्स राइट देखो ये बक्सा खाली है बेटा बक्सा खाली है तो बॉक्स इज एम टी एम टी दिस बॉक्स इज एम अब आओ अगर मैं कहूं ये मकान खाली है तो बेटा मकान जो खाली होता एम नहीं होता है वेकेंट होता है. This house is vacant. देखो the house is vacant. ये मकान एक ही मकान है बेटा इसलिए दिस हाउस कहा ये बक्सा दिस बॉक्स है ये गाना दिस सॉन्ग है एक ही की बात कर रही हूं मैं बेटा नेहा खट्टर का सॉन्ग सुन के तो ठीक लगता है लेकिन जब उसका सॉन्ग देखना पड़ता है ना तब तो दिल दहल जाता है नहीं ये उपहार है इट इज अ गिफ्ट नहीं इट इज अ गिफ्ट अ क्यों लगाया भाई गिफ्ट नाउन है ये चीज को नाम दिया गया है गिफ्ट इट इज अ गिफ्ट राइट देखो ये जमीन बंजर है बंजर होता है जो फर्टाइल नहीं होता जो बैरन होता है दिस लैंड इज बैरन दिस लैंड इज इनफर्टाइल इनफर्टाइल देख रहे हो ठीक है यहां कुछ नहीं उगरा है इनफर्टाइल है राइट right? यह महंगा है इट इज एक्सपेंसिव आप कहोगे सस्ता है तो क्या होगा सस्ता है तो चीप होगा उल्टा हो गया चीप बैरन और इनफर्टाइल का एम टू नेम फर्टाइल राइट देखो तुम्हारी मांग वैध है वैध मतलब जायज है गलत मांग नहीं कर रहे हो तुम तो क्या कहूं मैं योर डिमांड लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब हो गया जायज अगर कहोगे नाजायज है फिर तो बेटा नाजायज बनाने के लिए लेजिटिमेट के आगे एक आई एल ऑन लगा दो एल लेजिटिमेट एक और लगा दिए एल लेजिटिमेट तुम्हारी मांग इजमेट है देखो ये अनिवार्य है इट इज मैंडेटरी देखो मैंडेटरी देखते हो आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है राइट right? समझ में आया हमने आपको 50 सेंटेंसेस में अराउंड 45 तो एडजेक्टिव्स करा दिए चार पांच नाउन के साथ करवाया दिखाने के लिए देखो नाउन के साथ आर्टिकल आ जाता है इट इज अ गिफ्ट शीज एन ओरेटर तो ए और एन का भी थोड़ा सा आपको मैंने हिंट दिया है हालांकि मैंने आर्टिकल आपको आज बिल्कुल नहीं कराया फिर मैंने कहा एक बक्सा है तो दिस बॉक्स दो बक्से होते तो दीज हो जाता फिर बॉक्स बताना पड़ता कैसे बनाए इसीलिए आपको मैं ये कह दू कि सुनो ये मैं अभी तुरंत थोड़ी देर में स्पोकन इंग्लिश बाई नीतु सिंह करके टेलीग्राम चैनल है मैं उसमें लोड करने जा रही हूँ थैंक यू सो मच जाइए और जाके इतने सारे जो वर्ड्स मैंने सिखाए आज उसको प्रैक्टिस करिए थैंक यू सो मच